वेलकम फ्रेंड्स टू द कोर्स एसेंशियल्स ऑफ मिड जर्नी बी रेडी फॉर द फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं एस के निर्मल आपका इस कोर्स में जो मैंने बनाया है मिड जर्नी के ऊपर। मिड जर्नी से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सभी मैं इस कोर्स में कवर करूँगा। दोस्तों कहा जाता है अच्छी शुरुआत हुई है तो मंजिल भी जरूर मिलेगी। दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि किस तरह से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद फर्स्ट टाइम जब आप यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं और कैसा इसका इंटरफेस दिखता है। इस चैप्टर नंबर 4 में हम ये सब देखेंगे। हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ पिछले चैप्टर में हमने छोड़ा था। हम स्लैश इमेजिन करके कमांड देंगे और हमारा पहला प्रॉम्प्ट डालेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये प्रॉम्प्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं होगा ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। अ बॉक्स, चलिए कुछ भी बनाया है, जस्ट सिंपल एक कमांड भेजा है। अब इसमें टर्म्स ऑफ कंडीशंस एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। ड्यू टू एक्सट्रीम डिमांड वी कैन नॉट प्रोवाइड अ फ्री ट्रायल राइट नाउ, प्लीज सब्सक्राइब और ट्राई अगेन टुमारो। तो दोस्तों अगर आप फ्री यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि क्योंकि अभी फ़िलहाल में इनके पास इतना लोड है कि ये फ्री ट्रायल को अलाउ ही नहीं करते हैं, तो हो सकता है आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। सब्सक्रिप्शन लिंक लेने के दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर आप सबमिशन साइट पर सीधा जा सकते हैं, लेकिन ये लिंक कई बार दिक्कत करता है, कई बार आपको प्रॉपर सही जगह पे नहीं ले जाता है और आपको वहाँ ऑप्शंस नहीं मिलते। ये आपको मिड जर्नी की वेबसाइट पे लेकर जाएगा और ये जो लिंक देगा ये पर्सनलाइज लिंक नहीं होगा, एक जनरल लिंक होगा। तो इससे एक बेहतर तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए देखिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पेज में जाने के लिए आप स्लैश सब्सक्राइब पर भी जा सकते हैं। लेट अस सी, सब्सक्राइब टू मिड जर्नी, एंटर, ओपन, दिस इज योर पर्सनल लिंक, डू नॉट शेयर इट विद एनीवन, ओपन सब्सक्रिप्शन पेज। ये देखिए इसने ये लिंक दिया है, इस लिंक से आप चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए परचेज सब्सक्रिप्शन आ गया है, बिल्कुल अब हम सही जगह आ गए हैं। मंथली बिलिंग भी आप ले सकते हैं। ये देखिए बेसिक प्लान $10 पर मंथ, बिल्ड मंथली। ये देखिए लिमिटेड जनरेशंस 200 पर मंथ, जनरल कमर्शियल टर्म्स, एक्सेस टू मेंबर गैलरी एंड सो ऑन। यहाँ पर देखिए अगर आप $30 प्रति महीना देते हैं तो आप 15 घंटे फास्ट जनरेशंस के मिलते हैं, अनलिमिटेड रिलैक्स जनरेशन, जनरल कमर्शियल टर्म्स एंड सो ऑन। अगर आप बहुत ही हाई हैवी यूज़र हैं और एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो प्रो प्लान पे जा सकते हैं जिसमें $60 पर मंथ देना होता है। इसमें 30 घंटे फास्ट जनरेशन होता है और 12 कंकरेंट फास्ट जॉब्स, यानी एक बार में आप 12 इमेजेस फास्ट तैयार करा सकते हैं। सो ये है सब्सक्रिप्शन। ईयरली बिलिंग पे भी आप जा सकते हैं, इसमें $8 पर मंथ पड़ता है और ये प्रो प्लान $48 पर मंथ पड़ता है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सब्सक्राइब पे, तो ये आपको फर्दर डिटेल्स के लिए आगे स्ट्राइप चेकआउट में ले जाएगा। ये देखिए अब आपको वही ईमेल, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ये सब डालनी होगी और सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो आपके पैसे कट जाएंगे और आप एक जो है मिड जर्नी में सब्सक्राइबर बन जाएंगे। उसके बाद आप इमेज जनरेशन शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मिड जर्नी का प्रोफेशनल यूज़ करना चाहते हैं और आप इतना पेमेंट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि मिड जर्नी का जो स्क्रीन है, जो इंटरफेस है, वो कैसा दिखता है। दोस्तों अगर आपने मिड जर्नी में रजिस्टर कर लिया है, उसमें लॉगिन कर लिया है, तो कुछ इस तरह का एक स्क्रीन, एक विंडो आपके सामने होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्कॉर्ड का लोगो बना हुआ है। डिस्कॉर्ड क्या है? डिस्कॉर्ड वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये मिड जर्नी की कम्युनिटी अवेलेबल है और इस कम्युनिटी के थ्रू यानी ऑनलाइन काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो इस डिस्कॉर्ड ऐप पर बात करते हैं, ठीक है, और अपनी चैट को यहाँ पर डालते हैं। और मिड जर्नी का जो सर्वर है वो कहीं और है, ठीक है, तो जो आप चैट डालते हैं मिड जर्नी पर वो सर्वर में जाता है और वहाँ से इमेज बनकर आती है। तो ये डिस्कॉर्ड का बटन है, नीचे आप देखेंगे तो ये मिड जर्नी बोट का बटन है, यानी मिड जर्नी के साथ जो आपकी चैटिंग होती है वो यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ साइंस हैं, जैसे आपको प्लस का मतलब है यहाँ पर, अगर आपको कोई और सर्वर ऐड करना है, खुद का अपना सर्वर बनाना। देखिए ये डिस्कॉर्ड के ऑप्शंस हैं यहाँ पर। डिस्कॉर्ड अपने आप में एक वेबसाइट है,
ठीक है, एक चैटिंग वेबसाइट है, एक कम्युनिटी जहाँ पर आप रन कर सकते हैं, एक सर्वर बना सकते हैं, जैसे मिड जर्नी वालों ने डिस्कॉर्ड पर सर्वर बनाया हुआ है, वैसे ही आप भी कोई सर्वर बना सकते हैं। चलिए थोड़ा राइट में देखेंगे आप, तो यहाँ पर मिड जर्नी का एक जो इमेज है, मिड जर्नी का जो प्लेटफॉर्म का जो इमेज है वो लगा हुआ है, उसके नीचे होम है। होम पे जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक स्क्रीन आपके सामने आता है जो कि मिड जर्नी के बारे में बताता है। हम देखते हैं फर्स्ट टाइम इस मिड जर्नी में लॉगिन किया है तो आप न्यू बाइज चैनल में जाएंगे, न्यू कमर चैनल्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ बहुत तरह के चैनल्स हैं, लोगों ने अपने अपने स्पेसिफिक यूज़ के लिए यहाँ पर चैनल बना रखे हैं। कुछ चैनल जो हैं वो मिड जर्नी वालों ने खुद के बना रखे हैं, जैसे ये अनाउंसमेंट हो गया, रिसेंट चेंजेस हो गया, ये सब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं न्यू बाई में क्या होता है, न्यू बाई चैनल्स में। यहाँ पर देखिए अपने जैसे थोड़ा नीचे जाएंगे इस सेक्शन में तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग रूम नंबर्स दिए हुए हैं, न्यू बाईज 39, न्यू बाईज 9, न्यू बाईज 69, 99। तो यहाँ पर जो लोग नए होते हैं वो यहाँ पर लॉगिन करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो आप उस चैनल में, उस रूम में पहुंच जाएंगे, और फिर वहां पर आपको जो मैसेज बॉक्स आएगा वहां पर आपको अपना मैसेज टाइप करना होता है। चलिए अगर जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह, मैंने न्यू बाइज 99 पे क्लिक किया है तो यहां पर देखिए यहां नीचे की तरफ देखेंगे तो एक मैसेज बॉक्स आ रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है मैसेज #newbuys99। अब मैसेज आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ये जो मैसेजेज हैं ये दूसरे लोगों के मैसेजेज हैं जो वो लोग डाल रहे हैं। ठीक है, आप इनसे सीख भी सकते हैं कि कैसे एक मैसेज डालना होता है। देखिए ये हमने डाला यहाँ पर इमेजिन के बाद एक इस तरह का बॉक्स बन जाता है जिसके बाद आपको अपना प्रॉम्प्ट टाइप करना है। मिड जर्नी में आपको प्रॉम्प्ट कैसे बनाने हैं और उनको कैसे इफेक्टिव बनाना है वो मैं आपको दूसरे लेक्चर में बताऊंगा, दूसरे सेशन में मैं बताऊंगा। हाँ, मैंने यहाँ पर एक मैसेज टाइप किया है /imagine A boy learning Midjourney on desktop in realistic style। ठीक है, ये मैंने अपना कमांड एक प्रॉम्प्ट दिया है, A boy learning Midjourney on a desktop in realistic style। तो देखिए कुछ देर बाद ये एक पैनल बन के आता है। तो ये जो ग्रिड है ये 2x2 का ग्रिड है, यानी 1, 2, 3, 4 इमेज का ग्रिड बनता है। ठीक है, 4 इमेज मिड जर्नी आपको देता है। तो हमने डाला था कि एक लड़का जो मिड जर्नी सीख रहा है डेस्कटॉप पे, और रियलिस्टिक स्टाइल मतलब एक्चुअल में कैसा दिखेगा वो सीन, वो बनाया है इसने। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख रहे हैं U1, U2, U3, U4, V1, V2, V3, V4। U का मतलब होता है अप स्केल, V का मतलब होता है वेरिएशंस। तो आपको जो इमेज अच्छी लग रही है अप स्केल मतलब बड़ा करना, वेरिएशन मतलब उसमें चेंजेस करना। तो अप स्केल अगर आपको कोई भी इमेज अच्छी लग रही है तो उसे कर सकते हैं। मान लीजिए 4 नंबर की इमेज ये है, ये अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इमेज बड़ी होकर आ जाएगी। आपको लगता है कि जो ये 3 नंबर की इमेज है उसमें कुछ और चेंजेस चाहिए, यानी इससे रिलेटेड कोई और इमेज होती तो सही रहता, तो आप V3 पे क्लिक करेंगे तो फिर से 4 इमेज बनेंगे बट वो इसके ही वेरिएशंस होंगे। ठीक है, उनमें से अगर आपको कोई पसंद आए तो उनमें से भी सेम वैसे ही U1, U2, U3, U4 बना हुआ आएगा। ये देखिए इसके वेरिएशंस यहाँ बन गए हैं। अब देखिए एक प्रॉब्लम क्या होती है, ये मिड जर्नी में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, वो भी इस न्यू वाइस चैनल में मैसेज कर रहे होते हैं, तो आपका जो चैट है वो ऊपर खिसकता चला जाता है। ठीक है, तो उसको लेने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए वहाँ पहुँचने के लिए आपको ये जो इनबॉक्स का बटन है इनबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ जब क्लिक करेंगे तो एक ये बॉक्स खुलेगा, इस बॉक्स में इस पॉपअप में आपको यहाँ पर मेंशंस में जाना है। ठीक है, यहाँ पर मेंशंस है, अनरेड है, फॉर यू है, तो मेंशंस जो है यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने जो लेटेस्ट मैसेजेस हैं वो आ जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये जंप लिखा हुआ है, जंप, इस जंप पे जब क्लिक करेंगे तो ये मिड इस पैनल में आपको अपना मैसेज डायरेक्टली आप वहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए ये हमने वेरिएशंस बनाए थे तो वेरिएशंस बन गए, देखिए जंप करके आता है कि नहीं, जंप कर दिया, उसके बाद हमने इसको अपस्केल भी कर लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि कोई भी एक प्रॉम्प्ट देकर आप इमेज बनाएंगे, उससे 4 का ग्रिड बनेगा, उसमें वेरिएशंस आप कर सकते हैं, फिर किसी को भी आप किसी भी एक इमेज को आप अपस्केल करवा सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। और
अप स्केल कर लिया, अब इसको सेव कैसे करेंगे। सेव करना बहुत आसान है, यहाँ पर आप इसको ओपन इन न्यू ब्राउज़र या ओपन इन ब्राउज़र कर दीजिए तो आपको ये बड़ी इमेज में निकल के आ जाएगी। बड़ी इमेज निकल गई, इसके बाद आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये आपका ट्रे खुल जाएगा। इस ट्रे में आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव इमेज एज, तो सेव इमेज एज करेंगे तो आपके पास पीएनजी फाइल इसकी सेव हो जाएगी। कॉपी इमेज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप किसी वर्ड में या किसी पावर पॉइंट में पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, इमेज एड्रेस भी आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए तो दोस्तों, ये देखिए सेव का बटन जब आप प्रेस करते हैं तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलता है, यहाँ पर आप सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा कि मिड जर्नी को किस तरह से हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसका इंटरफेस में आपको दिखेगा और किस तरह से आप एक इमेज को सेव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं कुछ प्रॉम्प्ट्स दिखाता हूँ, आप भी लॉगिन करके देख सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ जानना चाहते हैं कि किस तरह से लोग बना रहे हैं इमेजेस, तो आप देखिए यहाँ पर एक बंदे ने बनाई है यहाँ पर एक सिटी लैंडस्केप फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स एंड वन ऑफ द बिल्डिंग इज प्रोटेक्टेड बाई शील्ड। ये देखिए इमेज, ये जो है बिल्डिंग का मिट्योर्स आ रहे हैं और बिल्डिंग, तो जैसा उसने कहा ठीक वैसी इमेज इसने बना दी। चलिए नेक्स्ट और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर ए 1950s रेड कन्वर्टिबल विद टॉप डाउन ड्राइविंग ऑन हाईवे हिटिंग अ ट्रेन क्रॉसिंग एरो साइन। तो देखिए एरो क्रॉसिंग द साइन, ये 1950s की रेड कार है। यहाँ पर देखिए इसने बनाया ए ओल्ड वूमन विद वो कवर पेज सनलाइट DSLR डीफोकस क्वालिटी। तो ये अलग अलग लोग कमांड्स देते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पर आप देखिए अ डायोरामा ऑफ मीडियोवल जर्मन चर्च एक्सट्रीमली डिटेल्ड नून। तो दोपहर का सीन है और मीडियेवल जर्मन चर्च बनवाया है, बहुत डिटेल्ड चर्च बनवाया है। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। ये देखिए फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटी स्पेस विद टावरिंग स्काई स्क्रैपर्स। तो फ्यूचर की एक इमेज बनवा दी है कि फ्यूचर में कैसी एक सिटी स्केप बनेगा, टावरिंग स्काई स्क्रैपर्स होंगे, नियॉन लाइट्स होंगी, स्लीक कार्स होंगी। ठीक है, बनाया है ये एक इमेज, आप देख सकते हैं किस तरह का बनकर आया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए एस्पेक्ट रेशियो, वर्जन और क्वालिटी, ये सब चीज़ें इन्होंने डिफाइन करी हैं और ये भी बताया कि माया सॉफ्टवेयर से जैसा बनता है वैसा बना के दो। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं, सीखना चाहिए आपको। अगर आप एक एनिमेटर हैं, एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपके लिए मिड जर्नी जो है वो बहुत ही उपयोगी हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जो इमेज जनरेशन का प्रोसेस है सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मैंने एक बहुत ही एक क्विक रिकैप बनाया है सारे स्टेप्स का, एक वीडियो के फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप। तो आपको अगर डाउट्स हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले आपको न्यू बाय चैनल पर एक स्लैश लगाना है और इमेजिन टाइप करना है, उसके बाद स्पेस बटन दबाना है। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब है अब यहाँ पर आप अपना जो भी मैसेज है, एक टेक्स्ट मैसेज आप यहाँ डालें जो कि आप बनाना चाहते हैं, जो भी पिक्चर, जो भी इमेज आप बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम बनाना चाहेंगे अ बॉय लर्निंग कंप्यूटर। अब ये कहाँ कर रहा है, बॉय ने क्या कपड़े पहने हैं, आप अगर ये सब नहीं बताएंगे तो ये अपने आप से ये इमेजिन कर लेगा। बट आप ये सब चीज़ें डिफाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 8 years old boy wearing formal dress inside a house night time। चलिए ये आपने डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम बताएंगे कि हमें इसका साइज क्या चाहिए। साइज़ आप बता सकते हैं, साइज़ बताने के लिए जनरली एस्पेक्ट रेशियो लोग यूज़ करते हैं। आप अगर आप इंचेज़ में भी साइज़ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। A4 साइज़ अगर आपको लेनी है तो आप डायरेक्टली A4 साइज़ भी लिख सकते हैं। रेजोल्यूशन क्या चाहिए, हमें मान लीजिए 4K रेजोल्यूशन चाहिए। 4K रेजोल्यूशन आप यहाँ लिख सकते हैं, 4K रेजोल्यूशन हो गया, अब साइज़ हो गया। अब देखिए वर्जन 5.1 इसका लेटेस्ट वर्जन है जो कि ये मिड जर्नी जिसको काम मिलेगा। तो ये है आपका प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट को एंटर करेंगे तो ये कमांड को मिड जर्नी जो सर्वर है वहाँ पर भेजेगा और वहाँ पर फिर ये इसको प्रोसेस करना शुरू करेगा। अब देखिए ये जो न्यू बाइस चैनल है यहाँ पर और लोग भी
अपडेट्स डालते रहते हैं, इसलिए आपका जो मैसेज है वो ऊपर चला जाता है। उस मैसेज को देखने के लिए आपको बार बार स्क्रॉल अप या डाउन करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनबॉक्स का साइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में ऊपर के कॉर्नर पर इनबॉक्स। इनबॉक्स में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए वो सारे मैसेजेज होंगे जो आपने रिसेंटली डाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो डाला था प्रॉम्प्ट वो दिखा दे रहा है और साथ में प्रोसेसिंग हो रही है, 78% प्रोसेसिंग हो गई है। सो यहाँ पर जंप है, जंप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे सीधे उस प्रॉम्प्ट पर जो आपने दिया था। लेट इट प्रोसेस, हम इसको प्रोसेस होने देते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार इमेजेस इसने बनाई हैं, तो ये चार इमेजेस आपके पास आ गई हैं। इनमें से आप देख सकते हैं कौन सी इमेज आपके लिए सही है। देखिए जो प्रॉम्प्ट हमने दिया था ठीक वैसा इसने बनाया है, बॉय है, 8 साल का है, फॉर्मल ड्रेस पहने हुए हैं और नाइट टाइम इसलिए लाइट जली हुई है। रेजोल्यूशन और ए फोर साइज अभी देख लेते हैं। सो हमें लगता है कि पहला जो इमेज है वो सही है, इसलिए U1 अपन कर देंगे। U1 मीन्स अप स्केल मीन्स इसको साइज में बड़ा करेंगे। और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ V1, V2, V3, V4 भी, यानी U1, ये आपको लगता है कि इस U1 में यानी इस इमेज में आपको ज़्यादा और वेरिएशंस चाहिए तो आप V1 पे क्लिक करें। V1 पे क्लिक करते ही ये प्रोसेस करना शुरू कर देगा और इसके ही चार तरह के इसके वेरियंट्स ये बना के दे देगा। चलिए चलते हैं, हमारे जो काम चल रहा है मिड जर्नी का जो वर्जन है वो इसको तैयार कर रहा है, इसके चार वेरिएशंस। सो चलते हैं, ये वेरिएशंस देखते हैं। सो इट्स वर्किंग, काम करने देते हैं इसे। जो भी वर्जन आपको अच्छा लगे आप उस वर्जन को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप स्केल कर सकते हैं। देखिए आप इस मैसेज को कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये हमारा सबसे लेटेस्ट रिस्पॉन्स जो है वो हमारा है यहाँ पर। सो यहाँ पर आपको जो भी इमेज, सपोज हमें 3 नंबर की इमेज अच्छी लग रही है तो हम U3 यानी इसको अप स्केल करेंगे। अप स्केल का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और क्योंकि वर्जन 5.1 है तो ये बहुत ही फास्ट आपको अप स्केलिंग करके देता है। सो दिस इज़ आवर फाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करेंगे। ओपन इन ब्राउज़र में ये दूसरा ब्राउज़र में खोलेगा और आपको ये देखिए आपका A4 साइज़ का एक 4K रेजोल्यूशन का एक इमेज मिल गया है। इसको आप राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कॉपी इमेज एड्रेस, ये भी एक लिंक आता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका जो इमेज का एड्रेस है वो क्लिक कर लेंगे और ये इमेज एड्रेस आपको आगे काम आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको काम लेते हैं। फिलहाल के लिए इसे हम सेव कर लेते हैं। ये लीजिए, तो ये हमारा इसका सेव हो गया है। इसको वापस जाने के लिए यहाँ पर बैक नहीं करें, आप वापस से अपने डिस्कॉर्ड वाले उस ब्राउज़र में जाएं, टैब में जाएं। सो दिस इज हाउ आप मिड जर्नी पर एक बेसिक प्रॉम्प्ट और डायग्राम बनाते हैं। आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप और अच्छा प्रॉम्प्ट बना सकते हैं और किस तरह से आप सेम कैरेक्टर को बार बार रिपीट करवा सकते हैं अलग अलग पोजेस या अलग अलग सीन्स में। सो थैंक यू। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कोर्स, इसका कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। इसी उम्मीद के साथ मैं लगा हुआ हूँ आपके लिए कुछ और नए लेक्चर्स, नए और सेशंस लाने के लिए। दोस्तों अगर आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और प्रमोट करेंगे तो बिल्कुल मैं और मोटिवेट होऊंगा और बहुत ही अच्छे और बेहतरीन कोर्स आपके लिए बनाकर लेके आऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग।